जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कह रहे अब बस करो हैंड फ्री। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हैंड फ्री। ये करो वो करो, ये मत करो वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हैंड फ्री। मम्मी ने तुम्हें उठने के लिए कहा है, मम्मी ने तुम्हें जल्दी उठने के लिए कहा है। मम्मी ने कहा कि तुम अभी के अभी नहीं उठे तो वो तुम्हें तुम्हारी ग्रोस क्लास जीरो कॉमिक पढ़ने नहीं देंगी। और हाँ, टीवी भी नहीं देखने को मिलेगा। वो काफी सीरियस लग रही है हेनरी। ठीक है ठीक है। और किलर बॉय रैट्स भी कभी नहीं सुन पाओगे। हेनरी, अब क्या हुआ? मम्मी को उनका मोबाइल फोन नहीं मिल रहा है। क्या फिर से? यक। कहाँ है हेनरी? क्या कहा है? मेरा मोबाइल। फ्रिज में चेक किया। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। मॉर्निंग हेनरी। मॉर्निंग चमचे। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। पीटर ने सारा सीरियल खा लिया। सचमुच? कल ही तो ये बॉक्स खोला था मैंने। तुम मेरे में से थोड़ा ले सकते हो हेनरी। नहीं चमचे, दूध ज्यादा है। जैसे तुम्हारी मर्जी। सब तुम्हारी गलती है गंदे रोतलू बच्चे। पर इसमें मेरी क्या गलती है? क्योंकि तुम मम्मी के साथ शॉपिंग गए थे। हाँ, क्योंकि मैं एक बहुत ही अच्छा चमचे हो। नहीं, मैं देखो मुझे क्या मिला। वाओ कूल। क्या तुम्हारे हाथ में मेरा फोन है? ओह अरे हाँ। ओप्स। मेरा अच्छा बच्चा हेनरी। शायद ओहो, तुम अब तक गई नहीं? बस निकल ही रही हूँ। थैंक यू। ओह ठीक है, तो ये कौन खाएगा? ओ, तुम्हारे बाद हेनरी। वाह बहुत बढ़िया पीटर। अब टाई कहाँ है? तो आप यही सोच रहे हो ना कि हर रोज सुबह सुबह हेनरी के घर पे यही सब होता है? तो आप सही हैं। हर सुबह मेरे घर में यही सब होता रहता है। तो चलो आज कुछ अलग करते हैं। आइए मिलिए मेरे पेरेंट्स से, जिनकी वजह से मेरे साथ काफी हद तक नाइंसाफी होती रहती है। और हाँ, ये चमचा तो है ही। सामने एक बेवकूफ लड़की, और स्कूल, और टीचर्स, और बुरे रिश्तेदार, और कुत्ते जो पैर पर सुसु करते हैं। मुझे तंग करने वाली ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। शुरू करते हैं मेरे पेरेंट्स से। वो चाहते हैं कि मैं एक परफेक्ट बेटा बनूं। पर सच में क्या वो खुद परफेक्ट पेरेंट्स है? अरे इनके भद्दे हाथ तो देखिए। और मम्मी तो हमेशा अपना फोन घुमा देती है। पापा तो अपना टाई कहीं भी रख देते हैं। तो मैं ये सोच रहा था, अगर मेरे पेरेंट्स परफेक्ट होते तो। मेरे कुछ दोस्तों के पेरेंट्स एकदम परफेक्ट पेरेंट्स हैं। रूड राल्फ के पापा को देख लो। तंदुरुस्त आय के पापा परफेक्ट है। एक्सरसाइज तो परफेक्ट नहीं, पर आय को पसंद है। मोटे बर्ड के पापा परफेक्ट है। उसे स्कूल तक लिफ्ट तो मिलती है। और निक के पेरेंट्स काफी कूल है। Welcome! पर वो थोड़े अजीब है।
इतने भी परफेक्ट नहीं, भले वो हमें देर तक जागने और कुछ भी खाने देते हैं। शायद बेवकूफ मार्गरेट के पेरेंट्स को हम परफेक्ट कह सकते हैं। उसे जो चाहिए वो मिल जाता है, पर कभी कभी ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, सिर्फ ये डॉगी नहीं लाते तो बेहतर होता। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आपने अभी अभी देखा कि परफेक्ट पेरेंट्स असल में कैसे होते हैं। अब ये सोचते हैं कि मेरे पेरेंट्स कितने परफेक्ट हो सकते हैं। 100! ये शो परफेक्ट चमचों के बारे में नहीं, बल्कि परफेक्ट पेरेंट्स के बारे में है। हेनरी, कैसे हो तुम? हेलो मैम। आज तुम्हारा स्कूल में दिन कैसा रहा? खास नहीं था। कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। तुम स्कूल से आते वक्त रास्ते में भीग तो नहीं गए ना बेटा? बर्ड के पापा ने मुझे लिफ्ट दे दी। ओह, कितने अच्छे इंसान है। तो हेनरी, चाय के साथ क्या खाओगे? सैलेड नहीं प्लीज। अरे बिल्कुल नहीं हेनरी, मुझे पता है तुम्हें सब्जियाँ पसंद नहीं है। तुम्हारा भाई लगता अच्छे मूड में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। फिक्र मत करो हेनरी, तुम्हारे आने से पहले ही मैं उसे चुप करा दूंगी। क्या मैं ग्रॉस क्लास ब्रेकआउट देख सकता हूँ? और तुम्हारा होमवर्क? थोड़ा ही है। तो ठीक है, तुम्हारे पापा आकर तुम्हारा होमवर्क कर देंगे बेटा। देखा, परफेक्ट पेरेंट। तो देखते हैं ग्रॉस क्लास जीरो। लो बेटा खा लो हेनरी। डैड, क्या ये गाजर है? एक बार ट्राई तो करो। वाह, ये तो चिप्स है। सही कहा, मम्मी मजाक के मूड में थी। केचप है? डंडन, केचप कैसे भूल सकता हूँ। कितना यम्मी है। मजेदार है। गिर गया, क्या करूं? तो आपको टाई मिली गई? मुझे टाइस पसंद है, खास कर ये वाली। ये तो मस्त है बहुत। चलो देखते हैं ग्रोस क्लास में क्या हो रहा है। परफेक्ट। पापा, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया। बहुत नींद आ रही है। ग्रोस क्लास ब्रेकआउट के अगले एपिसोड के बाद तो इसकी जरूरत होगी। थैंक्स मम्मी। चलो पापा, मैं आपको आपके रूम तक ले जाती हूँ। ओके, क्या उसके बाद वाला एपिसोड भी देख लूं? जैसा तुम चाहो हेनरी, तुम डिस्टर्ब ना हो इसलिए दरवाजा बंद कर देती हूँ। परफेक्ट पसंद आया, बहुत पसंद आया। अब सोने का वक्त हो गया। क्या हुआ? चलो अब उठ जाओ हेनरी। पर ये देखो, मैंने तुम्हारा स्कूल बैग पैक कर लिया है। ओ वाह। और ये तुम्हारा लंच बॉक्स, सब तुम्हारी फेवरेट चीजें हैं इसमें। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा है। और ये लो तुम्हारी फेवरेट कॉमिक बुक्स, अगर क्लास में बोर हो गए तो पढ़ लेना। ओके। कुछ डीवीडीज भी हैं, अगर क्लास में ज्यादा बोर हो रहे हो तो। इसकी भी जरूरत होगी मम्मी, पर ये सब तो
और मुझे मेरा पुराना फोन मिल गया है, तुम्हारे लिए नया खरीदने तक तुम इसे यूज कर सकते हो। क्यों, कितना कूल होगा ना? कूल शायद। मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। मैं आज डबल चीज बर्गर बना रही हूँ बेटा, तुम्हारा फेवरेट है ना? ठीक है। सॉरी हेनरी, तुम्हें और लाउड पसंद है ना?